हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सबको। कैसे हो सब? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ऐसी हम अपेक्षा कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं ना? ठीक है, चलो। ट्वेल्थ का ईयर है तो थोड़ा सीरियसली पढ़ना। सिक्स चैप्टर आज हम लेंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके लेखक है, सॉरी चैप्टर का नाम है घर। लेखक है भोला भाई पटेल। इनका जन्म हुआ था 1934 में और इनकी मृत्यु हुई थी 2012 में। थोड़ा लेखक के बारे में जान ले हम लोग। डॉक्टर भोला भाई पटेल गुजराती भाषा के साहित्यकार है। इनका जन्म महेसाणा यानी कि गुजरात निकट सोजा गांव में हुआ था। बनारस यूनिवर्सिटी से हिंदी, संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृति के विषय में BA की उपाधि प्राप्त की थी। गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में वो प्रोफेसर रहे थे। डॉक्टर भोला भाई पटेल का प्रमुख रचना में अधूना, विदिशा, कांचनजंगा, अज्ञेय एक अध्ययन आदि है। उनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। गुजराती साहित्य सभा की ओर से रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक, हिंदी साहित्य सेवी सम्मान का श्री स्वामी सच्चिदानंद सम्मान, भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। मतलब इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला था। प्रस्तुत निबंध में लेखक शहर में स्थायी होने से गांव के घर को बेच देने का विचार करते हैं। अभी जो परिस्थिति चल रही है, हाँ, अभी शहरीकरण हो रहा है। शहरीकरण किसको बोलते हैं? कि गांव खाली हो रहे हैं और गाँव के लोग शहर की ओर जाने लगे, अपना बिजनेस चमने, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो लेखक के लिए भी यही परिस्थिति आ गई थी। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि जो गांव का घर है उसको हम बेच देते हैं। वह मिट्टी का घर उनके परिवार ने बड़ी मेहनत से बनाया था। घर बेचने से पहले सब भाई एक बार इस घर में साथ रहने आ जाते हैं। लेखक की माँ पुरानी घटनाओं को याद करके रोने लगती है। अंत में घर न बेचने का निर्णय लेते हैं। घर केवल चार दीवार और छप्पर वाला ही नहीं, लेकिन भावनाओं का प्रतीक होता है। लेखक सोचते हैं कि हम घर बेच दें, तो उन्होंने सब डिसाइड किया था कि एक बार हम सब जाकर वहाँ एक साथ रहें। तो जब वो रहें तब उनको जो अपने पुराने दिन थे कि इस घर में कैसे रहते थे, ये तो सबके साथ होता है। हम भी एक घर लेकर दूसरे घर में जाते हैं तो हमें जो पुराना घर है उसकी यादें कभी कम नहीं होती है, बहुत याद आते हैं। तो ये लेखक को ये अपना जो पुराना घर है वो उसमें उसकी जो स्मृतियाँ थी, यादें थी, वो सब याद आती है। सब लोग साथ में थे तब, फिर डिसाइड करते कि अभी ये घर बेचना नहीं है। तो चलो अब हम आगे लेसन शुरू करेंगे। गांव से शहर में स्थायी होने के बाद लगभग बंद रहने वाले अपने छोटे से गांव के पुस्तैनी घर को बेच देने का विचार आया। पुस्तैनी मतलब कई पीढ़ियों से खड़ा रहने वाला, दादा उसके भी दादा ने बनाया था, उसको पुस्तैनी घर बोलते हैं। जिस मोहल्ले में हमारा घर है वहां के पुराने पड़ोसी तो अब शहर में रहने लगे थे। अधिकतर लोगों ने तो अपने पुराने घर बेच भी दिए थे, इसलिए शादी मृत्यु जैसे अवसर पर किसी सामाजिक रिवाज के लिए या लंबी छुट्टियों में गांव के इस घर में रहने जाते तो बड़ा बेढंगा लगता था। बेढंगा यानी कि अटपटा। नए पड़ोसी आ गए हैं और उनसे अभी नाता ही नहीं बन पाया है। वे हमें भी आगंतुक ही मानते हैं। आगंतुक मतलब अजनबी, कोई अचानक से आ जाता है ना तो उसको आगंतुक बोलते हैं, अजनबी बोलते हैं। इसलिए उस घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं, आकर्षण यानी कि लगाव नहीं था। लेखक क्या कहते हैं कि गांव से शहर में वो स्थायी हो गए थे, इसलिए गांव का घर ज़्यादातर बंद रहता था। तो पुराना पुस्तैनी घर था, मतलब दादाओं के दादा का घर था। लेकिन उस मोहल्ले में जो पुराने पड़ोसी थे वो भी अब अपना घर छोड़कर शहर में चले गए थे। अधिकतर यानी कि ज़्यादातर लोगों ने अपने पुराने घर बेच दिए थे। फिर शादी और मृत्यु जैसे अवसर पर जैसे एक दूसरे के घर पे जाते थे ना,
हाँ वो रिवाज अभी चला गया था, या तो लंबी छुट्टियों में जब वो गांव में आते थे तो जो नए अटपटा लगता था, क्यों लगता था कि पुराने पड़ोसियों ने घर बेच दिया था, उसकी जगह पे अभी नए पड़ोसी आ गए थे, और उनका तो जो व्यवहार था नए पड़ोसियों का वो क्या था कि उनको लेखक और उनके परिवार को आते देखकर उनको अजनबी मानते थे। तो लेखक को जो पुराने पड़ोसी थे और उसके साथ तो भाव था, नाता था, वो इन लोगों में नहीं दिखता था। तो ये सब में ये जो है ना घड़ी जो लेखक ने ये दर्शाया सबके जीवन में आता है। हर एक व्यक्ति पहले छोटा घर लेता है फिर बड़ा घर लेता है, चाहे खुद का घर क्यों हो, लेकिन जब हम घर चेंज करते हैं ना, ये आपने भी शायद महसूस किया होगा या तो आपके पेरेंट्स ने तो किया ही होगा कि अपने जो पुराना घर होता है ना उसके हर कोने में हर जगह पे हमारी यादें होती है, और उसको छोड़ने के लिए जो भाव वो दर्द होता है ना वो हम किसी को नहीं दिखा सकते हैं। हाँ बंद रहने के कारण पुराना घर और जर्जरी होता जाता था। जर्जरित यानी जीर्णा, मतलब वो अभी गिरेगा क्या, मतलब उसकी मरम्मत नहीं हो रहा। अगर हम घर में रहते हैं तो उसका ख्याल रखते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसको रिनोवेशन कराते हैं, कलर काम कराते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई रहता नहीं था तो घर उनका जर्जरित हो जीर्ण होता जा रहा था। चौमासे में अधिक बरसात पड़ने पर टीन के छप्पर से भी पानी अंदर आता था, ऊपर अपने जिन्हें गुजराती में पत्रा कहिए, तो चौमासे जब आता था तो उसके ऊपर से भी नीचे पानी आता था, छप्पर यानी कि छत ऐसे, जिससे घर की एक मुख्य दीवार में दरार पड़ गई थी, पूरी ऐसी दरार हो गई थी पानी ज़्यादा आने की वजह से। खुले दालान एवं आंगन में कूड़े के ढेर लग जाते थे। आंगन गांव के आंगन भी कितने बड़े होते थे, साफ सफाई नहीं होती थी तो पूरा कचरा जम जाता था। इसलिए बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेचने देने का विचार पक्का किया। योग्य ग्राहक मिले तो एक गांव में रहने वाले व्यवहार कुशल मित्र से बेचने की सिफारिश करके हम शहर चले जाएं। फिर एक दिन ऑफर आया भी सही। ऑफर ठीक था और करने वाला व्यक्ति अच्छा और भरोसेमंद था, इसलिए अब देर करने या आनाकानी करने का प्रश्न ही नहीं था। क्या कहते हैं लेखक कि फिर क्या हुआ, उनकी माँ को बोला कि चलो अब हम यहाँ रहते तो है नहीं, घर खामखा खराब होता है, अगर तुम परमिशन दो तो हम घर बेच दें। फिर माँ ने जैसे तैसे हाँ किया। फिर व्यवहार कुशल मित्र, मतलब अच्छा व्यवहारिक मित्र था, उसको पूछा है, उसको बोला ऐसे कि हमें घर बेचना है, तो उनको अच्छा ग्राहक भी मिल गया जो भरोसेमंद था, इसलिए घर बेचने का आनाकानी करने का प्रश्न भी नहीं होता था। परंतु उसी क्षण में मन में एक टीस सी उठी, टीस यानी पीड़ा ऐसे बार बार मन को व्यग्र कर बनाता था, वो परेशान करती थी, व्यग्र यानी कि परेशान करना। विचार आने लगा कि पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए, कि ये बाप दादा की मिलकत है, उसको हम क्यों बेचे। इसे 3-4 पीढ़ियों से चले आते मिट्टी के कमरे के स्थान पर मेरे पिता ने ईंट का पक्का घर बनवाया था। 3-4 पीढ़ी यानी कि उसके लेखक के पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, ऐसे 3 पीढ़ियाँ हो गई। लेखक के पिताजी के दादा ने वो घर बनाया था लेकिन वो मिट्टी का था, फिर लेखक के पिताजी ने क्या किया, उसको ईंट का पक्का घर बनाया था। कहना चाहिए कि घर में सभी सदस्यों ने स्वयं मजदूरी करके घर बनाया था। घर बनाते समय घर के हर सदस्य ने मजदूरी की थी, मेहनत की थी। पिताजी इसके लिए अपनी बैलगाड़ी में ईंटें लाए थे। चिनाई के लिए घारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब की चिकनी मिट्टी स्वयं खोद कर लाए थे। जैसे दीवारें अभी हम कैसे सीमेंट की कॉन्क्रीट से बनाते, लेकिन पहले ये सब नहीं था, तो उनके पिताजी बैलगाड़ी में ईंटें लाए थे, फिर उसको दीवारें बनाने के लिए चिकनी मिट्टी खुद तालाब में से उनके पिताजी लाए थे। मेरी माँ ने सहतीर तक घारे के तसले चढ़ाते, सहतीर मतलब पूरे ऊंचाई तक, बहुत ऊंचे तक, मिट्टी ऐसे घारा लगाया था, मतलब दीवार बनाने के लिए,
ऊपर तक उन्होंने वो किया था। जैसे हम सीमेंट, अभी हमारे घर पे तो काम करने वाले मजदूर आते थे, वो सीमेंट लगाते, लेकिन वो घर था तब लेखक की माँ ने खुद ने ऊपर दीवार तक सब लगाया था ऐसे। मेरी माँ, सॉरी, फिर शहर में अपने लड़कों के जब नए मकान बनने लगे तब उनके मकान वेतन भोगी सुपरवाइजरों की देखरेख में मजूरों द्वारा बनते देखकर मन में थोड़ा खुश होते हुए भी माँ पिताजी अनेक बार गांव के घर को कैसे स्वयं मेहनत करके बनाया था उसकी बात करते हुए भावुक हो जाते थे। लेखक के जो दूसरे पड़ोसी थे ना, वो लोग क्या करते थे, वो उनके बच्चे शहर में रहने गए, फिर वो भी उनके साथ चले जाते थे। और फिर क्या होता था कि उनका घर जब रिनोवेट होता था तो घर का आदमी कोई वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता था, लेकिन अन्य मजदूरों द्वारा उस घर का काम होता था। तो जो काम करने आते वो दिल से नहीं करते हैं, जैसे तैसे काम करते हैं, तो वो सब देखकर लेखक के मम्मी पापा को ऐसा होता था कि अच्छा है कि हमारे घर को हमने खुद ने बनाया है, अपनी मेहनत से बनाया है। ऐसी बातें करते हम भी अभी कभी कभी मिलते हैं सब फैमिली वाले, ऐसे लॉकडाउन में तो बहुत हुआ होगा कि हम पहले साथ मिलकर ये काम करते थे, भाई बहन सब मिलकर ये मस्ती करते थे, ऐसा ऐसा खाते थे, एक चीज़ में से चार पार्ट करके हम खाते थे, एक रुपए में से चार भाई बहन हम पैसा खर्च करते थे। ये सब अभी लॉकडाउन में आप लोगों ने अपने मम्मी पापा दादा दादी सभी घर वालों के पास से सुना होगा। तो वैसे लेखक का परिवार जब एक साथ बैठते थे तब ये बातें करते थे, तो लेखक के मम्मी पापा ये सुनाते थे कि हम लोगों ने घर का काम ऐसे किया है। तो ये बातें करते करते वो भावुक यानी कि इमोशनल हो जाते थे। हाँ, अपनी परिस्थिति सुना। इसी घर में ही हम सभी भाई बांधवों का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, इसी कमरे में हमारे दाम्पत्य जीवन का आरंभ हुआ था और उसी कमरे में हमारी संतानों का भी जन्म हुआ। जीवन में जो अनेक अच्छे बुरे प्रसंग आए ये उनका साक्षी है। ये सब लेखक क्या कहते कि इसी घर में हम सभी भाई बहन बड़े हुए थे, इसी घर में हमारी मैरिज, दाम्पत्य जीवन यानी कि मैरिज लाइफ, हाँ मैरिज लाइफ की शुरुआत हुई थी। हमारे घर पे जो बच्चों ने जन्म लिया, हमारे संतानों ने जन्म लिया था, वो भी इसी घर में ही लिया था। जीवन में अनेक बुरे और अच्छे प्रसंग आए, सब प्रसंग हम लोगों ने, हम सब प्रसंग के साक्षी ये हमारा घर है, ऐसा लेखक सोचने लगे। घर के आंगन में कैसे खेलते थे, एक दिन उस आंगन को पार कर कंधे पर थैला लटका कर गांव की पाठशाला में पढ़ने गए, एक दिन उसी आंगन को पार कर दूर पर गांव पढ़ने गए, एक दिन उसी आंगन को पार कर शहर में जाकर बसे, इसी घर के आंगन में हमारी बहनों और भाइयों का विवाह मंडप बंधे, यही बिरादरी वालों के साथ झगड़े और स्नेह मिलन भी हुए थे, यही पड़ोसियों के साथ ऊंची आवाज में बोला चाली और झाड़ों में आलाव के पास बैठकर मधुर विश्रम कथाएं हुई थी, इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य भैंस पड़िया बैल बछड़े बांधते थे। लेखक सब याद करते हैं कि ये आंगन में हम पहले एकदम छोटे थे तो इस आंगन में खेलते थे, थोड़े बड़े हुए स्कूल जाना शुरू किया हम लोगों ने तो पीठ पर ऐसे थैला कंधे पर थैला लटका कर स्कूल जाने की हमने शुरुआत की, हाँ पाठशाला यानी स्कूल प्राइमरी तक। फिर प्राइमरी से आगे पढ़ने के लिए उन्होंने उस गांव, पहले आंगन छोड़ा गांव में गए, फिर गांव छोड़कर दूसरे गांव गए पढ़ाई के लिए, फिर क्या किया वो एकदम फिर शहर चले गए और ज़्यादा कमाने के लिए और पाने के लिए। फिर उन्होंने सोचा कि इसी आंगन में, अभी ये सब पार्टी प्लॉट और ये सब होता है शादियों में कि सब वो समाजवाड़ी होती है, लेकिन पहले तो घर के आंगन में, आपको एक बात बताए भाई बेटा स्टूडेंट्स की, ऐसा कहा जाता है कि घर के आंगन में अगर शादी नहीं होती है ना तो वो घर आंगन कंवारा बोला जाता है कि सूना होता है वो आंगन हमेशा के लिए सूना ही, जिस आंगन में शादी नहीं होती है ना उस आंगन को सूना आंगन कहा जाता है, ये पहले के ज़माने में ऐसे मानते थे। तो बड़े बड़े आंगन थे तो घर के आंगन में ही वो शादियाँ होती थी। फिर
क्या होता है आस कभी कभी हम अभी हमारे साथ भी ये होता है कि आसपास के लोगों के बिरादरी वाले मतलब हमारे समाज के लोग हैं उनके साथ कभी स्नेह मिलन होता था और झगड़ा भी होता था। आसपास में पड़ोसियों के साथ भी कभी बोलाचाली होती थी। फिर जब विंटर का समय होता था तो आलाव आलाव यानी कि जो हम तापड़ी का वो करते हैं, हाथ घर ठंडा हो जाता है तो हम जो अग्नि प्रगटा करते हैं जिन्हें गुजराती में अपने तापणू कही अने हिंदी में इन्हें आलाव कहे, तो फिर इनके पास बैठ कर हम सब यादें ये सब कथाएँ करते थे। और इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य भैंस पड़िया बैल बछड़े बांधते थे। गांव का ये पूरा वर्णन है जो आपकी कल्पना में अभी आ ही गया होगा कि आंगन होता है भैंस गाय बकरिया भेड़ सब कुछ घर में ही होता था। दूध भी घर का घी भी घर का, तो ये सब कुछ महसूस करते हैं लेखक अपनी पुरानी यादें। ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। अस्तु।